नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग माना जाता है। यही वो हिस्सा होता है जो कि हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऐसे में अगर हमारा दिमाग हेल्दी रहेगा तब हम लोग अपनी डेली लाइफ के कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। वहीं पर अगर हमारा दिमाग अस्वस्थ अर्थात बीमार रहेगा तब हम लोग अपनी डेली लाइफ के कार्यों को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पांच ऐसी आदतों के बारे में जो कि आपके दिमाग को बेहद ही कमजोर बना देती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज के ज़माने में लोग पैकेट ब्रांड और जंक फूड खाना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन एक स्टडी में इस बात को देखा गया है कि पैकेट ब्रांड खाना और साथ ही साथ जंक फूड ये आपकी लाइफ के लिए बेहद ही अनहेल्दी चीज़ें होती हैं और इसका आपके दिमाग पर तो बहुत ही नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने दिमाग को धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं। नंबर तो दोस्तों, बहुत से लोग अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें दोस्त बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में अकेले ही रह जाते हैं और जो लोग अकेले रहते हैं एक्चुअली में ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में एंजाइटी और साथ ही साथ डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ये दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इसीलिए आप लोगों को कभी भी ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रहना चाहिए। नंबर तीन, दोस्तों आजकल ज़्यादातर युवा अपने कानों में ईयरफोन लगा करके लाउड वॉइस पर गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं तो ऐसा करने से आपके दिमाग की नसों पर और साथ ही साथ उनकी कोशिकाओं पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है साथ ही साथ आपकी याददाश्त पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और आप लोगों को भूलने की बीमारी होने लगती है। नंबर चार, जरूरत से ज्यादा सोचना। दोस्तों, जो लोग अपनी लाइफ में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोगों के दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं और जिन लोगों के मन में एक बार नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में डर और भय के माहौल में जीने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में डर और भय के माहौल में जीता है ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बेहद ही कमजोर हो जाता है। नंबर पाँच, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक हेल्दी नींद हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में एक हेल्दी नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर ना सिर्फ हमारी बॉडी पर बल्कि साथ ही साथ हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है और हमारा ब्रेन काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। जो लोग अपनी लाइफ में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं ऐसे लोगों के सर में दर्द होना एक सामान्य सी समस्या बन जाती है।